नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। जिले के पिपराइज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को 18 साल से ऊपर के लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रिकॉशन डोज का पिपराइज विधायक एवं सीएमओ ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा, 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को अब किया जाएगा निःशुल्क टीकाकरण। छिहत्तर नौ प्रोन्नत नायब तहसीलदारों के प्रशिक्षण सत्र का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने किया शुभारंभ। कहा, 4.5 महीनों तक नायब तहसीलदारों को दी जाएगी सभी तरह के प्रशिक्षण। पंद्रह अगस्त को जनपद के हर घरों पर तिरंगा फहराए जाने के संबंध में सीडीयू की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। कहा, देश प्रेम की भावना रखकर अभियान को सफल बनाने के लिए किया गया है निर्देशित। सोलह जुलाई से 22 जुलाई तक शुरू होने वाले जल संरक्षण अभियान को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीना ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, हर घर जन जन तक जल पहुंचे, यही है शासन की प्राथमिकता। अभियान चलाकर जल संरक्षण के लिए किया जाए प्रचार प्रसार। नदियों की सफाई को लेकर एक निजी संगठन के द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। अभियान चलाकर नदी पर बनाए गए घाट पर हो रही गंदगी पर की गई चर्चा। जनपद में चयनित 3 आकांक्षी ब्लॉकों के कार्यों को 100% पूरा कराए जाने को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीना ने की बैठक। कहा, तीनों ब्लॉकों में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के कार्यों को करवाया जाए जल्द पूरा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन अथवा हर घर तिरंगा के विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र किया गया वितरित। कहा, कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व पर केंद्रित है विश्व युवा कौशल दिवस। दीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार से 2 दिवसीय राम कथा पर आधारित कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। दर्पण गोरखपुर के अध्यक्ष रविशंकर खरे ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और भाइयों की कलाइयों पर सजाइए टेराकोटा की राखियां। सीएम योगी ने ओडीओपी में किया शामिल। तो निरंतर हो रहे नवाचार, लगी टेराकोटा की राखियों की प्रदर्शनी। शिल्पकारों के पास पारंपरिक टेराकोटा उत्पादों की भी है भारी मांग। अब खबरें विस्तार से। जनपद में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनपद के सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि शासन के निर्देश अनुसार जनपद के हर एक घर में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हर नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है, जिसके लिए लोगों में जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, बेसिकली सभी विभागों से के संबंध में मीटिंग और 2 राउंड हम लोग का मीटिंग हो भी गया। जो जो विभाग ने समस्या अपना रेज किया है उसको हम लोग चेकअप कर रहे हैं। करीबन मैक्सिमम हम लोग का टारगेट ये है कि हम लोग मैक्सिमम हाउस होल्ड कवर कर सकें और सारे डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सभी जगह ये अभियान हम लोग सक्सेसफुल बनाएँ, ताकि ये त्यौहार के रूप में मनाया जाए और लोग महसूस करें, गर्व महसूस करें।
जिले के पिपराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को 18 साल से ऊपर के लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रिकॉशन डोज का उद्घाटन पिपराय विधायक महेंद्र पाल सिंह एवं सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने फीता काट कर किया, जिसके संबंध में पिपराय विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि टीकाकरण सभी को लगे यह सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड महामारी में इस बीमारी को निरंतर नियंत्रित किया या अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि पहले 386 रुपए देकर टीकाकरण होता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब सबको निःशुल्क टीकाकरण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है हर परिवार सुरक्षित हो, सबको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। वहीं सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा जितने भी 18 वर्ष के ऊपर के लोग हैं और जो अभी तक तीसरी डोज नहीं लगवाए हैं, उनको अब निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। दूसरी डोज लगवाने के बाद से 9 महीने के बाद तीसरी डोज लगता था, लेकिन अब उसको घटाकर 6 महीने कर दिया है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि 12 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र है और जो पहली और दूसरी डोज से वांछित हैं तथा तीसरी डोज नहीं लगाए हैं, वह अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निःशुल्क टीकाकरण करा लें। इस अवसर पर जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर नंदलाल कुशवाहा, पिपराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मणिशेखर, BPM पवन कुमार, सुनीता पटेल सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीका लगवाने आए हुए नागरिकों और सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे एवं पिपराय विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, जो है एक टारगेट बनाया कि नहीं सर, आप हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और आपका जो है इस दिन जो है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, आपका एक प्रोग्राम से हम लोगों को काफी एनर्जी मिली। 18 से 60 वर्ष के लोगों का उद्घाटन समारोह आयोजित है। प्रमुख जी लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी आशाओं और उपस्थित जनता भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को आज के इस कार्यक्रम में इस प्रकार को सम्मानित हमारे आनंद साहिब है। आज के इस कार्यक्रम में आपके हाथ बोल अधिकारी आपके भाई विभाग के सभी हमारे सम्मानित डॉक्टर, यहाँ के समस्त वहाँ के जो नर्सिंग हैं, जो ANM हैं और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर सभी सम्मानित जनता का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश नहीं पूरा विश्व जब कोविड महामारी से जूझ रहा था, ऐसे में भारत भर में एक बहुत बड़ा प्रदेश है आबादी के दृष्टिकोण से, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सुसर मार्गदर्शन में जो उनकी सोच है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता या किसी भी जनमानस को किसी दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया और इस महामारी से उत्तर प्रदेश को बचाया ही नहीं अपितु जो अन्य स्टेट में जो हमारे प्रवासी मजदूर थे उन्हें उनके घरों तक
पैसा फसल पहुँचाने का जो कार्य किया, जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे थे उनको भी सब कुशल उनके घरों तक पहुँचाने का जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान भारत में जो उन्होंने कार्य किया, ये हम सब ये जो उनकी सोच है वो किसी से छिपी नहीं है। ये भारतवर्ष पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस कोविड महामारी में जब पूरा देश इससे गुजर रहा था तो पूरे विश्व में सबसे पहले अगर इसके जो टीकाकरण की जो व्यवस्था जो सबसे पहले अगर किसी भी पूरे विश्व में अगर किसी भी देश ने की तो भारतवर्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एक टीके नहीं बल्कि दो टीकों, एक आपका कोवैक्सीन एक कोविशील्ड, ये दो टीकाकरण की जो उपलब्धि भारत ने हासिल की ये अपने आप में बहुत एक मिसाल कायम किया है यहाँ के वैज्ञानिकों ने, यहाँ के डॉक्टरों ने। और पहले यही भारत था जो दूसरे देश के ऊपर निर्भर होता था, लेकिन आज हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और उसी क्रम में जिस तरह से हमारे वहाँ टीकाकरण का जो अभियान शुरू हुआ उसके क्रम में आज हम सब प्राइस लाख में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस केंद्र पर हम सब आए हुए हैं। मैं यहाँ के सभी सम्मानित अपने जो हमारे डॉक्टर की टीम है, जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय है, मैं सबको हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए करता हूँ कि आप सबके अथक परिश्रम से जिस तरह से इस टीकाकरण के अभियान को आगे बढ़ाया गया और मैं देख रहा हूँ कि और ये परम आदरणीय माननीय विधायक जी, पिपराइच ब्लॉक के माननीय प्रमुख जी, सम्मानित मंच, यहाँ के सभी स्वास्थ्य कर्मी, पिपराइच की सम्मानित जनता और यहाँ पर आए हुए सभी मीडिया बंधु, सबको मैं हृदय से आभार जताता हूँ। गुरु पूर्णिमा जो भारत का एक प्रमुख पर्व होता है, उसी दिन जो है हम सबके आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के जितने भी लोग हैं जिनको जो है प्रीकॉशन डोज लगानी है वह निःशुल्क लगाई जाएगी। इसके पहले हमारी व्यवस्था थी कि 60 वर्ष के ऊपर निःशुल्क लगती थी और 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के लिए 386.20 रुपये देकर के प्राइवेट में लगाया जाता था। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन हम सबके गुरु ने हम सबको यह उपहार दिया और उसी के परिपेक्ष में हमारे आदरणीय योगी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने तत्काल हम लोगों को इसको लागू करने का निर्देश दिया और उसी के परिपेक्ष में हमारे माननीय विधायक जी का यह निर्देश हुआ कि यह जो है पिपराइच की जनता से शुरुआत किया जाए। उसी परिपेक्ष में आज हम लोग यहाँ पर पिपराइच में एकत्र हुए हैं। साथियों, यह बताते हुए है कि हम इस वक्त जो है टीकाकरण में लगभग पिपराइच की बात अगर करते हैं तो 170,000 लोगों को हम टीका लगा चुके हैं। अगर हम गोरखपुर जनपद की बात करते हैं तो करीब जो है हम 37,00,000 लोगों को पहली खुराक लगा चुके हैं, 102% होता है। और दूसरी खुराक जो होती है इसकी जो है हम लगभग जो है 90% के ऊपर लगा चुके हैं। इस तरह से हम टीकाकरण के जितने मानक हैं सबको प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन 12 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों का टीकाकरण में हम अभी अपने लक्ष्य से दूर हैं। केवल 80% बच्चों का ही टीकाकरण कर चुके हैं। उसके पीछे संभवतः कारण ये था कि बीच में स्कूल का बंद हो जाना। अब विद्यालय खुल गए हैं, हमारी RBSK की टीमें प्रत्येक ब्लॉक से दो दो टीमें जो बन करके एक एक दिन में 8 से 10 विद्यालयों में टीकाकरण के लिए निकल रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि 1 सप्ताह के अंदर हम इसको प्राप्त कर लेंगे। साथियों, जब से हमारी सरकार बनी है तब से सरकार ने जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ रखा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य हमारी सरकार का है कि हर भूखे को अनाज मिलेगा, हर
निर्वस्त्र को वस्त्र मिलेगा, हर पीड़ित को चिकित्सीय सुविधा मिलेगी, हर बच्चे को उत्तम शिक्षा मिलेगी, हर किसान को सिंचाई और बीज मिलेगा, हर बेरोजगार के हाथों को रोजगार मिलेगा, हर महिला को सम्मान मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान सिंचाई पढ़ाई दवाई ये और सबका सम्मान, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। मंजू लगवाना बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा है। क्या कहेंगे बाकी लोगों से? कहेंगे सब लोग लगवा लीजिए टीका, टीका लगवाने से मतलब कोई बीमारी नहीं होगा, बहुत अच्छा टीका है। सरकार फ्री वैक्सीनेशन करा रही है, सरकार फ्री वैक्सीन लगवा रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे सरकार? बहुत अच्छा कहेंगे हम लोग। धर्मवीर जायसवाल, आज आपको वैक्सीनेशन हुआ, कौन सा डोज लगा आपको? मुझे थर्ड डोज लगा है। अच्छा फील हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हमें। फर्स्ट भी लगवाए, सेकंड भी लगवाए, थर्ड भी लगवाए, किस प्रकार दिक्कत कोई बीच में? कोई दिक्कत नहीं, तीनों बार बहुत ही अच्छा रहा और मुझे तो बुखार भी नहीं हुआ। सरकार फ्री वैक्सीनेशन करा रही, क्या कहेंगे सरकार? सरकार ही बहुत अच्छा काम कर रही है, कोरोना काल में जितने भी सरकार की जो अच्छे तरीके से कोरोना पर विजय प्राप्त हुई है वो सरकार की देन है, और सरकार की तरफ से हर सुविधाएं जो फ्री में दी जा रही हैं उसका सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी तक जो है हम लोग जो है कोविड टीकाकरण का पहली खुराक दूसरी खुराक सबको निःशुल्क लगा रहे थे, और तीसरी खुराक जो है 60 साल के ऊपर के वयस्कों को या फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स को ही निःशुल्क लगाई जा रही थी, लेकिन अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रदेश और देश की जनता को तोहफा दिया कि 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के जितने भी लोग हैं और जो वयस्क हैं और जिनको जो है कोविड वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए एलिजिबल हैं उनको यह वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी, और साथ ही साथ जो पहले 9 माह का अंतराल था उसको घटा करके 6 माह कर दिया गया है। तो अब ये हो गया है 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं और जिनकी दूसरी खुराक लगे हुए 6 माह हो गया है उनको प्रिकॉशन डोज जो है यानी तीसरी खुराक सबको सभी राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क लगाई जाएगी। गोरखपुर जनपद में उसका शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच में माननीय विधायक पिपराइच के कर कमलों से संपन्न कराया गया, उसी के उपलक्ष्य में ये उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था। जनता से मैं अपेक्षा यही करता हूँ कि जो लोग जो है 12 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु है जो पहली खुराक के एलिजिबल हैं वो पहली खुराक लगवा लें, जो दूसरी के लिए हैं वो दूसरी लगवा लें, और जो तीसरी के लिए एलिजिबल हैं वो तीसरी खुराक लगवा लें। हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आशाओं से संपर्क कर लें, एनएम से संपर्क कर लें, ये निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उत्पन्न है। देखिए टीकाकरण सबका हो ये सरकार की प्राथमिकताओं में है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कोविड महामारी में इसको पूरा नियंत्रण किया ये अपने आप में एक मिसाल है, और उसी क्रम में आज हम सब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 18 प्लस के लोगों का जो ये तीसरे डोज का जो टीकाकरण का अभियान जो शुरू हुआ है, पहले इसमें 386 रुपये 20 पैसे पहले पेमेंट दे करके लगता था, लेकिन अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको फ्री कर दिया है, और अब सबका फ्री में टीकाकरण के अभियान की जो आज यहाँ शुरुआत हुई है इसके लिए हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि उनका जो अभिनंदन करते हैं, उनका नमन करते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि हर परिवार सुरक्षित हो, सबको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, यह सरकार इसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार कृतसंकल्पित है, और उसी क्रम में ये आज यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, यहाँ हम सब इसी के निमित्त आए हुए हैं। जनता से हम यही कहेंगे कि इसमें बढ़ चढ़ करके जिसका दूसरा डोज लग गया है वो अपने तीसरे डोज को लगवा करके अपने आप को सुरक्षित करें, जब इस देश का एक एक नागरिक सुरक्षित होगा तो भारत सुरक्षित होगा,
और मैं यही अपील करूंगा आप लोगों से। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने नव प्रोन्नत 520 में 76 नायब तहसीलदारों के प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ एनेक्सी भवन के सभागार में किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में प्रोन्नत होकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से 76 नायब तहसीलदार आए हुए हैं, जिनका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है जो कि 4.5 महीनों तक चलेगा, जिसका नोडल अधिकारी मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ को बनाया गया है। उन्होंने कहा सभी नायब तहसीलदारों को उनके कार्यों के बारे में बताया जा रहा है कि वह किस तरह से कार्य करेंगे, क्योंकि प्रदेश के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा मामले भूमि विवाद के ही हैं, जिसे किस तरह से निस्तारण करना है इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा गोरखपुर एक VIP सिटी है, यहाँ पर तमाम VIPयों का आगमन होता रहता है, यहाँ पर डेवलपमेंट के भी काफ़ी कार्य हो रहे हैं। नायब तहसीलदार का कार्य जनता की शिकायतों का भी होगा, इसके अलावा निर्वाचन संबंधित कार्य, कोर्ट के कार्य का भी होगा, इसके बारे में भी पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़, सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह, SDM सहजनव सुरेश राय, पवन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा धन्यवाद। अब मैं सर से अनुरोध करूंगा, सर जैसा कि सियाल साहब ने कहा, नायब तहसीलदार हमारा व्यवस्थापक होता है, ठीक। कोई भी बात होती है हम लोग तहसील को कह देते हैं, तहसील में नॉर्मली SDM साहब को कहा जाता है, SDM साहब तहसीलदार साहब से, तहसीलदार साहब नायब साहब से कह देते हैं, नायब साहब भी व्यवस्थापक होते हैं। मेरा संकेत ये है व्यवस्थापक हैं तो आपको अब अपनी व्यवस्था भी स्वयं करनी है, हम आपकी व्यवस्था नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप व्यवस्थापक हैं, अब आपको किसी से सहायता नहीं लेनी है, अब आपको यहाँ अपने रहने की, अपने खाने की, अपने आने जाने की सभी व्यवस्थाएं स्वयं करनी होगी, इसलिए कि अब आप व्यवस्थापक के रूप में हैं और यही आपका प्रशिक्षण है और यही प्रशिक्षण का आगाज है, यही प्रारंभ है कि आप अपनी व्यवस्था कैसे अच्छी कर सकते हैं। तीसरी बात, जो भी प्रशिक्षण होता है वो औपचारिक होता है। जब लेखपाल लोग प्रशिक्षण करने जाते हैं तो मेरी सूचना के अनुसार वो 50% गायब रहते हैं, लेकिन SDM जब प्रशिक्षण लेने जाता है नहीं गायब रहता है, ठीक है। तहसीलदार जब प्रशिक्षण लेने जाते हैं तो गायब नहीं रहते हैं। आपको भी चूंकि आप मजिस्ट्रेट हो गए हैं, आपको गायब नहीं रहना है, आपको आना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, क्लासरूम गर्म भी हो सकता है, क्लासरूम ठंडा भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्लासेस अटेंड करनी है और मैक्सिमम समय औपचारिक रहना है, ये एक फॉर्मल ट्रेनिंग है। फॉर्मल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप टी शर्ट पहन के नहीं आएंगे, चप्पल पहन के नहीं आएंगे, ऐसे ही नहीं चले आएंगे। आपके पास एक प्रॉपर नोटबुक, प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए और प्रतिदिन का आप एक पेज उस पर लिखिए, प्रतिदिन मतलब सभी लोग, कितने लोग आए होंगे, 68 शायद आए हैं LRC साहब, 68 आए हैं, हाँ ठीक है 76 लोग हैं, तो मैं 6 को नकारा मान लेता हूँ। एक जो प्रशिक्षण का क्यूरिकुलम बनाया गया है, टाइम टेबल बनाया गया है, प्रतिदिन के लिए कई अधिकारी लगाए गए हैं कि 10 से 11 के बीच में 6 अधिकारी लगा दिए गए हैं, सप्ताह में एक दिन ही उनको जाना पड़ेगा। सभी अधिकारियों के दायित्व इसको क्या जाकर के वहां पर, मैंने लोगों के साथ ये भी शेयर किया है सर कि राजस्व प्रशासन में जो राजस्व के RI बहुत बेहतर जानते हैं, इनको अच्छे से मालूम है कि पैमाइश कैसे की जानी है, नायब तहसीलदार के रूप में इनका कुछ कार्य और अतिरिक्त हो जाता है, चुनाव है और तीसरा इन्फोर्समेंट है, चौथा राजस्व है। तो जितनी भी आपकी अलग अलग भूमिकाएं हो, हर चीज आपको बताई जाएगी और आपसे प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। आदरणीय आयुक्त महोदय की अनुमति से और जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से हम लोग ये जो हमारे की फील्ड ट्रेनिंग भी आपको कराएंगे, साथ ही चूंकि वो प्रशिक्षण सबसे अच्छा होता है जिसमें कुछ कल्चरल संचार, कल्चरल एक्टिविटी करेंगे, जिसकी जो भी प्रतिभा होगी, जो भी प्रतिभा होगी, जो भी शौक होगा, जो भी प्रदर्शित कर सकेंगे, ऐसा करेंगे कि जिन जनपदों से आप लोग आए हैं उन जनपदों के ADM साहबान को भी बुला लेंगे
और आप लोग अपने साथ एक संयुक्त बैठक करा के और डिनर हम लोग साथ में कर लेंगे तो ये मालूम हो जाएगा। तो प्रशिक्षण दिया जाना है, उसके बाद सर 1 सितंबर 22 से 30 नवंबर तक इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आधारभूत प्रशिक्षण के लिए सर हमने अपने जनपद में उपस्थित अलग अलग विभाग से अधिकारीगण को सर के माध्यम से नामित कराया हुआ है, जिनका नियमित तौर पे प्रशिक्षण प्राप्त होगा। और आप सभी से आग्रह रहेगा इस प्रशिक्षण सत्र में आप गोरखपुर जनपद में हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी जो भी आपको प्रशिक्षण देंगे इसका आप समुचित लाभ लें, और इस प्रशिक्षण सत्र का तभी लाभ मिलेगा जब आप नियमित तौर पे और अनुशासित होकर इस पूरे प्रशिक्षण सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और पूर्ण मनोयोग के साथ हर प्रशिक्षण सत्र का अच्छा पालन अपने सर्विस पीरियड में कराना उसको सुनिश्चित करेंगे। आज आप सभी इस गोरखपुर जनपद में उपस्थित हुए हैं, आप सभी का पुनः एक बार सर के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। अब इस प्रशिक्षण सत्र के शुरुआत में मैं अपने एडीएम फाइनेंस साहब से अनुरोध किया था तो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताया हुआ है। अब इसी क्रम में मैं अपने बीच उपस्थित आदरणीय अपर आयुक्त महोदय, ये चीज़ अतिरिक्त हमें किसी कानूनी चीज़ की जानकारी दे दीजिए तो मैं समझता हूँ कि उसको भी ऐड करा दिया जाएगा। बहुत सारे मैं अपने लेवल पे, वैसे मैंने इलेक्शन के तो मैं नेशनल मास्टर ट्रेनर रहा, कई जो है झारखंड बिहार जो है राजस्थान वगैरह की वहाँ पे भी ट्रेनिंग जो है एक हायर लेवल तक भी की गई है। इसके अलावा जो है बाई चांस की बात है, अपने अपने साथ में जितने भी मेरे साथियों के साथ में होते थे तो उसमें कंप्यूटर की जानकारी के मामले में उनको थोड़ा कम जानकारी जाती थी। कंप्यूटर के मामले में मुझे जो एक खासकर एक जो आम आदमी से ज़्यादा की जानकारी फिर भी जो है मेरे इवन मेरे अपने ऑफिस के लोग बहुत सी चीज़ें अगर टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करें तो वो नहीं जानते हैं, फिर भी अगर इस तरह की चीज़ें को सीखना चाहते हैं तो हमारे जो हमारे NIC के कुछ लोग हैं काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं, फिर भी कुछ इसी चीज़ में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कराना चाहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इस तरह के प्रस्ताव जो है से आपका प्रशिक्षण थोड़ा कंप्लीट हो जाता है। तो कृपया अगर कोई ऐसा आप लोगों के पास कोई आइडिया हो या आपकी कोई चीज़ की आवश्यकता रहेगी तो उसको हम एक्स्ट्रा जोड़ कर देंगे। और बाकी जो है कुछ विधिक रूप से कुछ कानूनों के बारे में कुछ अलग से मैं चीज़ ऐड करूंगा और मैं उसको आप लोगों को बीच में कभी भी आता रहूंगा और आप लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग का अनुभव भी दूंगा। ये भूल जाना चाहिए जो मंच में जो बैठे हुए हैं या जो नीचे बैठे हुए हैं वो सब समान है, जब तक आप खुल करके बात नहीं करेंगे ठीक है तो ट्रेनिंग अच्छा ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत चीज आप लोगों ने सीखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे आप आए हुए हैं कि वो भी 4.5 महीने का बहुत बड़ा ट्रेनिंग है, तो आप क्या सीखना चाहते हैं और ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए? जो शेड्यूल आपने देख लिया 10 बजे से शुरू होकर के 1 से 20 की 20 का 1 घंटे का गैप है, उसके बाद 5 बजे तक का ट्रेनिंग है। सर्वप्रथम मैं आयुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने टाइम का एंड सर इस प्रोग्राम को दोबारा कर दिया है। इनफैक्ट मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि सर अभी आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो इस इंटरेक्शन के माध्यम से सीखने का कोशिश कीजिएगा, आगे चलते आप लोगों को बहुत काम है। सर इज वेरी ओल्ड एक्सपीरियंस, सर हमें भी कोई दिक्कत होता है तो सर को कॉल करके हमको परेशान है, सीनियर का मार्गदर्शन लेने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, यू गेट गुड गुड थिंग्स टू नो। दूसरा इशू है सबसे पहले आप लोग को बधाई ऑफिसर मैजिस्ट्रेट आपके पास थोड़ा आपको अपने कंडक्ट वैसे ही रखनी पड़ेगी, आप गवर्नमेंट का फेस उनको फील्ड में काम करें तो आपका इवन योर पर्सनल एटीट्यूड ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट यू आर फेस टू द गवर्नमेंट। तो आपको 24 घंटा अपना कंडक्ट अच्छा रखना पड़ेगा, ये नहीं कि ऑफिस से छुट्टी हो गया है तो आप कहीं भी कैजुअल बिहेवियर में आप घूम रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई शिकायत होगी तो यही होगा कि हमारा एक अधिकारी ऐसा करता हुआ पाएगा।
वो अल्टीमेटली बिकम वेरी वेल्थ। पहला चीज तो ये, दूसरा है आप लोग में से लगभग 68 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है, आप लोगों को अभी तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये उसी को कॉम्प्रोटाइज करेगा जो आप लोगों ने साइलेंट सीखा है, बाकी 8 नए हैं, अच्छा मौका है सीखने के लिए। पता है इनफैक्ट कभी कभी आपको ट्रेनिंग में कुछ बोरिंग टाइम भी लगेगा, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अभी जितना बढ़िया आप सीखोगे उतना अच्छा फील्ड में काम होगा। मैं अपना पिछला 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब हम लोग कंपनी में आए थे तो शुरू में सबसे ज़्यादा अवैध कब्जा, आवास और राशन का, आज की डेट में मैं 8 साल में डिफरेंशियल दे रहा हूँ, देख रहा हूँ राशन आवास खत्म हो गया, नाली खड़ंजा भी बहुत कम हो गया। अब जो एक्चुअल शिकायत है ये जमीन है, तो इस जमीन से जितने रिलेटेड इश्यूज हो गए उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक पक्ष सही होता है एक पक्ष गलत होता है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव हमेशा जब थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो बात सुनने से, जब आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है संवाद, अगर कोई इशू कंप्लेन आया आप लोग को आगे ये आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है नेक्स्ट 1-2 साल में, सबसे बड़ा चैलेंज लैंग्वेज में, और ये अगर आप जितना स्मार्टली रिजॉल्व कर लीजिएगा उतना आप सक्सेसफुल रहिएगा। तो जब भी आप लोगों से बात कीजिएगा तो रियली अदर पार्टी जो कहते हैं दोनों पक्षों को सुनिए, सुनने में आपको पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है, एंड दी एक्ट इज फॉर इट, मतलब विधिवत आप कार्रवाई करें, लेकिन टाइम बाउंड और पब्लिक के प्रति थोड़ा सिंपैथी रखना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग के पास आते हैं वो जनरली बहुत वेरी प्रताड़ित लोग होते हैं, आप उसको जितना दिन खींचिएगा उतना दिन वो परेशान रहेगा, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो मतलब आपने कुछ अच्छा पूरी काम किया होगा जो आपको ये काम मौका मिला है करने। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह EDM फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में 76 नायब तहसीलदार आए हैं, उन्होंने आज से उनका प्रशिक्षण प्रारंभ है, कुल 4.5 महीने का होगा। हमारे जो CRO साहब हैं जनपद के, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, वही इसके नोडल अफसर भी हैं और एडिशनल डायरेक्टर के रूप में भी वो कार्य करेंगे। आज इसका ओरिएंटेशन है जिसे माननीय आयुक्त महोदय अभी संबोधित कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी जो भी लोग नायब तहसीलदार के रूप में प्रमोट हो करके आए हैं या जो सीधी भर्ती के हैं उनसे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रशिक्षण कैसा होगा, उनका क्या दायित्व है, हम उनको क्या बताएंगे, इन सब पर एक संवाद चल रहा है और आशा है कि अगले 4.5 महीने हम इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेंगे। कुछ नई चीज़ें भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं गोरखपुर एक VIP सिटी है, CM सिटी है, यहाँ पे डेवलपमेंट के भी काफ़ी कार्य हो रहे हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ पर लोगों को अपेक्षाएं भी बहुत हैं, तो नायब तहसीलदार के रूप में उनका एक दायित्व शिकायतों के निवारण का भी होगा, निर्वाचन का कार्य है, वसूली का कार्य है, कोर्ट का कार्य है, सभी कार्यों को कैसे करना है उनमें हम लोग प्रयास करेंगे कि ये सिद्धस्त हो जाएं। ये ट्रेनिंग कहाँ पर चलेगी? ये ट्रेनिंग हमारा असुरन पे, आप मालूम है, एक लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय है, वहीं पर चलेगी और ये आवासीय होगी, जितने लोगों को वहाँ रुकना चाहेंगे वो लोग रुक सकेंगे और सुबह से शाम तक पर डे ट्रेनिंग का सेशन आयोजित किया जाएगा। शासन के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त को जनपद के हर घरों पर तिरंगा फहराए जाने के संबंध में विकास भवन के सभागार में CDO संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में CDO संजय कुमार मीणा ने बताया कि आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। शासन के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त को जनपद के हर घरों पर तिरंगा फहराएं, उसी के संबंध में सभी विभागों के साथ यह बैठक की गई है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी फील्ड लेवल पर हैं उनको प्रेरित करते हुए इस अभियान को सफल बनाएं और सभी को देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए और सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया है कि अपने अपने कर्मचारी एवं अधिकारियों को निर्देशित करें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीणा ने कहा, की बात होगी कि हम लोग जो है इसको गंभीरता के साथ नहीं कर पाए हैं, तो विषय की गंभीरता में देखते हुए अभी से जो है मीटिंग समाप्त होने के बाद सब अभी जो है संज्ञान में होगा।
और समय से आपके झंडे की भूमिका हो जाए, कहाँ कहाँ इसको बढ़ाना है और उसके लिए कौन सी योजना घाटी होगी, ये तीन चार चीजें जो आपके मंत्र है। फिर आपने कार्यालयों के लिए भी करना होगा, ये भी है। आप जैसे विशेष आपकी टीम है विद्यालय, तो उसको भी टेकअप करना है, जो नया आपने बनाया उसको भी टेकअप करना होगा। ऐसे कृषि विभाग का है, वहाँ पर भी गोदाम होगा, सो जो है उस झंडे को लगाना है। जिला युवा कल्याण का ही आपके पीआरडी है, वहाँ पर जितना झंडा आप ले सकते हैं। सर करीब 613 पीआरडी की इस समय ड्यूटी चल रही है, 100-100 तो ले ही सकते हैं। 100-100 आप ले सकते हैं जी, कितना मतलब 1200 नहीं 600 × 100 सर, 600 इसमें आगे बढ़ करके आना बहुत जरूरी है। इसमें इसमें सर तो लक्ष्य मिला है, पता अनुभूति होनी जरूरी है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन से वहाँ बड़े वाले झंडे लग जाएंगे, काफी जगह छोटे झंडे लग जाएंगे। हम लोगों ने टारगेट किया प्रोग्राम के आगे ग्राम प्रधान हमारे 1294 100 करके 129,000 लगभग जो उनको कहा 100 झंडे मतलब ट्रेनिंग उनको फ्री किया जाएगा। 10-10 रुपये वाले झंडा है, 1000 रुपये के लगे होंगे, लगभग 129,000 400 झंडे उन्होंने खरीद लिए। सफाई कर्मचारी हमारे पास 3,000 रहेंगे, 10-10 संख्या खरीद लिया उन्होंने 30,000 हो जाएगा। पंचायत साहब रोजगार से उन्होंने एक एक दिन खरीदने के बाद 2,000 हो जाएगा। फिर हमारे सारे सरकारी पंचायत हैं वो 100 लगे करेंगे 20,000 2,000 से भी मैनेज हो जाएगा। अन्य सारे सरकारी 50 लगे हुए घंटे में 2,500 हो जाएगा। हमारे बी डी ओ साहब ने बोल के जनरल पे अगर 100 लगे खरीद के 2,000 वहाँ हो जाएगा। 182,590 हमारा पूरा, इसमें से हमारे 25,000 कम हो जाएगा, तो हमारे 3,000 का टारगेट हम लोग इससे पूरा करें। ये हमारा कार्य योजना है, वैसे सबको अपनी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। कैसे होगा क्योंकि इस बार जो है कोई फंड अलग से नहीं है, हमको अपने फंड से मैनेज करना है इसको, इसलिए आप लोगों का सहयोग भी हो सकता है। टारगेट हमारा ज़्यादा दे दीजिए, एन जी ओ से भी हम लोग अलग से भी टीम बनाएंगे, एन जी ओ का भी हम लोग बात करेंगे। रहनी चाहिए तो क्योंकि आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग इस साल मना रहे हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में यह है कि हर घर तिरंगा। अब इसमें हर घर तिरंगा का मतलब घर से नहीं, हर उस कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग से है जो चार दीवारी के शेप में है। आप घर मत मानिए क्योंकि उसमें शैक्षणिक संस्थान भी हो जाएंगे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो गए, पुलिस चौकियां जितनी हैं, पुलिस थाने जितने हैं, क्योंकि पुलिस थाना कोई घर नहीं होता, ठीक है। तो हर घर तिरंगा को माइंड में घर से मत जोड़िएगा, उसका मतलब है हर वो कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्शन है जो चार दीवारी है जिसमें कोई ना कोई कार्यालय है या कोई रह रहा है, जो जर्जर भवन है उसकी बात नहीं होगी, जो भी जिसमें भी कोई व्यक्ति बैठ रहा है वहाँ पर 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हम लोग पूरा एक सप्ताह मनाएंगे। और 15 अगस्त को क्योंकि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से जीव जारी भी हो गया है कि कोई भी अवकाश नहीं मनाएगा। जनरली हम लोग देखते हैं 15 अगस्त को छुट्टी होती है, स्कूलों में 2-3 घंटे कार्यक्रम होता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हम लोग केवल ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लड्डू बढ़ता है और सब लोग अपने घर चले जाते हैं। स्पेशली स्टूडेंट केवल लड्डू खाने के लिए आता है और कुछ करने नहीं आता, ठीक है। आप और हम उसी पेज से निकले हैं तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भी उसी ले जाते हैं, तो सब लोग जानते हैं कि 2 या 1 लड्डू मिलेगा, घर आएंगे आराम से उस दिन शाम को खेलेंगे जो भी करेंगे एक्स वाई जेड। तो ये जो धारणा है उसको थोड़ा बदलाव करना है इसमें इस बार इस 15 अगस्त को, क्योंकि ये 75th है हमारा। तो जितने भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं तो उसमें सारे क्योंकि मैक्सिमम ऑफिसर्स यहाँ बैठे भी हैं, तो सरकारी बिल्डिंग में जो अपना कार्यालय है उसके अलावा जैसे ग्राम पंचायत में हमारा ग्राम सचिवालय या पंचायत भवन है, हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं, CNC PNC हैं, थाने हैं, सारी पुलिस चौकियाँ हैं, जो भी चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर पर हो या ग्राम लेवल पर हो, जो भी वहाँ पे बिल्डिंग है उस पे
15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाएगा तो जो डिपार्टमेंट है वो ड्यूटी लगा देंगे लिखित में। जैसा सभी आप अवगत हैं कि हम इस वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें शासन के निर्देश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर घर तिरंगा अभियान, मतलब हर घर में जो भी बिल्डिंग है वहाँ पे हम तिरंगा फहराएं 15 अगस्त को। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी विभाग को यहाँ आज बुलाया गया और उनको निर्देशित किया गया कि उनके जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो फील्ड लेवल पे हैं वो सभी लोगों को प्रेरित करते हुए इस अभियान को सफल बनाएं और सभी को ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमारा जो देश है वो 75 वर्ष आज़ादी के कंप्लीट हो चुका है। इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, इतने लोगों ने जब अपना बलिदान दिया तब जाके हम आज आज़ाद हैं, तो वो जो देश भावना है वो भी उसमें झलकनी चाहिए। इसीलिए इस पर्टिकुलर अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, तो उसी के लिए सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया है कि आप अपने अपने विभागवार जहाँ पे भी आपके कर्मचारी अधिकारी हैं उस लक्ष्य को पूरा करते हुए इस अभियान को सफल बनाएं। CDO संजय कुमार मीना ने 16 जुलाई से 22 जुलाई तक शुरू होने वाले जल संरक्षण अभियान को लेकर विकास भवन के सभागार में भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान CDO संजय कुमार मीना ने कहा कि शासन का प्रयास है कि हर घर जन जन तक जल पहुंचे, जिसको लेकर प्रदेश सरकार एक सप्ताह का जल संरक्षण अभियान चला रही है। विकास खंड मुख्यालय पर जल की उपलब्धता उपयोग से संबंधित परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। भूजल संरक्षण हेतु कम पानी वाली फसलों व कम जल प्रयोग वाली सिंचाई पद्धतियों का प्रचार प्रसार किया जाए। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद वृक्षारोपण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण व जल संचयन हेतु आम जनमानस में प्रचार वाहन से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, क्योंकि जन जन तक जल पहुंचाना है, जल संरक्षण अपनाना, सभी विकासखंड परिसर में बैनर व होर्डिंग के प्रचार प्रसार किया जाए। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश का आदि क्षेत्रों के भूजल पर निरंतर बढ़ती निर्भरता से भी अनेक क्षेत्रों में भूजल के अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूजल संसाधन के वर्ष 2017 जो अतिदोहन की संख्या थी सर उसमें गिरावट आई सर। सर 2020 की आकलन रिपोर्ट के अनुसार सर 66 विकास खंड अतिदोहित, 49 विकास खंड क्रिटिकल एवं 77 सेमी क्रिटिकल विकास खंड में आए हैं सर। लेकिन अगर सर इसकी तुलना हम 2000 की तुलना में करें तो सर ये फिर भी आंकड़ा जो है 5 से 6 गुने के आसपास है सर। इस उत्पन्न विकट स्थिति से उभरने हेतु सरकार के स्तर से भी सर प्रयास किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भूजल आंगनबाड़ी जन उपभोक्ता समिति, रैनिक एंड वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय उद्योग परिसंघ, इंडियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, वेटरन एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, बता दें आपकी क्या कार्य योजना है, क्या क्या इसमें आप लोग करें। ठीक है, तो आपके विभाग के द्वारा क्या प्लानिंग है जल संरक्षण संचयन और भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाने के लिए, ये सर जानना चाह रहे हैं कि आपने कोई रूप देखा कार्य योजना आदि बना रखी है। जी सर, बढ़ते भू जल स्तर को समर्थन के लिए की जा रही है, उसके तहत बारिश का पानी आता है उनको नहीं, इसमें मैं जबरदस्ती पानी डाल रहा हूँ, उसका क्या फायदा। नहीं सर, वर्षा का पानी जो वर्षा का पानी क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज तब होगा जब हम रेन वाटर है हमारा बारिश का पानी है वो परकुलेट होके ग्राउंड जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर। तो इसके अलावा भी जैसे आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे आप पानी को रोक के ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकी। अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी।
जिले के पिपराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को 18 साल से ऊपर के लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रिकॉशन डोज का पिपराइज विधायक एवं सीएमओ ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को अब किया जाएगा निःशुल्क टीकाकरण। छिहत्तर नौ प्रोन्नत नायब तहसीलदारों के प्रशिक्षण सत्र का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने किया शुभारंभ। कहा 4.5 महीनों तक नायब तहसीलदारों को दी जाएगी सभी तरह के प्रशिक्षण। पंद्रह अगस्त को जनपद के हर घरों पर तिरंगा फहराए जाने के संबंध में सीडीओ की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। कहा देश प्रेम की भावना रखकर अभियान को सफल बनाने के लिए किया गया है निर्देशित। सोलह जुलाई से 22 जुलाई तक शुरू होने वाले जल संरक्षण अभियान को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीना ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा हर घर जन जन तक जल पहुंचे यही है शासन की प्राथमिकता। अभियान चलाकर जल संरक्षण के लिए किया जाए प्रचार प्रसार। नदियों की सफाई को लेकर एक निजी संगठन के द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। अभियान चलाकर नदी पर बनाए गए घाट पर हो रही गंदगी पर की गई चर्चा। जनपद में चयनित 3 आकांक्षी ब्लॉकों के कार्यों को 100% पूरा कराए जाने को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीना ने की बैठक। कहा तीनों ब्लॉकों में सड़क पानी बिजली स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यों को करवाया जाए जल्द पूरा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन अथवा हर घर तिरंगा के विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र किया गया वितरित। कहा कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व पर केंद्रित है विश्व युवा कौशल दिवस। दीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार से 2 दिवसीय रामकथा पर आधारित कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। दर्पण गोरखपुर के अध्यक्ष रविशंकर खरे ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और भाइयों की कलाइयों पर सजाइए टेराकोटा की राखियां। सीएम योगी ने ओडीओपी में किया शामिल। तो निरंतर हो रहे नवाचार लगी टेराकोटा की राखियों की प्रदर्शनी। शिल्पकारों के पास पारंपरिक टेराकोटा उत्पादों की भी है भारी मांग। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply.
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राई क्लीन भी करवाएं। दो की ड्राई क्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। योर कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट्स इट यू लाइक इट चीकू? डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? इट्स मैग्निफिसेंट एंड इट आल्सो कम्स इन गोल्ड एंड क्रोम ब्लैक एंड बाय द वे इट्स चीकू नॉट डॉगी। प्रेजेंटिंग ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन स्टनिंग कलर फॉसेट्स विद लॉन्ग लास्टिंग फिनिश दैट्स नोटिस्ड बाय एवरीवन। हेडवेयर इटालियन कलेक्शन। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंपलीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंपलीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद में एक निजी संगठन के द्वारा नदियों के सफाई को लेकर तारामंडल स्थित एक निजी हॉल में बैठक की गई, जिसके संबंध में संगठन के संयोजक रामचंद्र ने बताया कि बैठक का उद्देश्य नदियों की साफ सफाई व नदियों की निर्मलता व अविरल बहाव एवं नदियों के पास लोगों को सुविधाएं देने को लेकर है और लोगों के जीविकोपार्जन के मार्ग को प्रशस्त करना है। उन्होंने कहा, नदियों पर बनाए घाट पर साप्ताहिक आरती की जाए व घाटों की साफ सफाई की जाए। इसके अलावा घाटों पर महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के स्थान होने चाहिए और स्वच्छता अभियान चलाकर नदियों के साफ सफाई पर चर्चा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के संयोजक रामचंद्र ने कहा, पांच लोग एक बार यात्रा कीजिए, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर मिलती है, इन उसके धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक महत्व कुछ एक पत्र तैयार किया जाए। हो जगह जगह सभाएं हो तो उस नदी को पुनर्निर्मित करने के लिए वहाँ एक भाव बने, जागरण बने, फिर आप काम शुरू करोगे तो लोग उसमें सहायक बनते चले जाएंगे। आजमगढ़ में तो सही है ही उस पर काम करना, इधर गौरव जन कौन से नदी लेंगे। राप्ती तो है ही, राप्ती भी लेना है, कोई छोटी भी लेंगे ना, रोहिंग नदी है, रोहिणी लीजिए, आमी 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 लीजिए, वो खत्म भी हो रही है, वो प्रदूषित भी उसी पर है और रोहिणी पर तो पानी वाला ज्यादा जाता है तो कुछ काम चल जाता है। रामचंद्र विनायक सहस्रबुद्ध है, मैं गोरखपुर महानगर का संयोजक हूँ। यह बैठक गंगा समग्र की है। गंगा समग्र एक संगठन है जिसका मूल उद्देश्य नदियों के साफ सफाई, नदियों की निर्मलता, नदियों के अविरल बहाव और नदियों के पास लोगों की सुविधाएं और नदियों पर आश्रित लोगों के जीविकोपार्जन के मार्ग को प्रशस्त करना, इन सबके लिए संगठन कार्य कर रहा है। चर्चा बिंदुओं हो रही थी अविरल गंगा के तौर पे घाट के लिए, सबसे पहले लोगों के जन जागरण को, लोगों को जोड़ने के लिए साप्ताहिक तौर पे गंगा आरती की जाए, घाटों की साफ सफाई की जाए, घाटों की साफ सफाई के साथ घाटों के पास विशेषकर महिलाओं के वस्त्र बदलने के स्थान होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और प्लस सबसे अधिक चीज़ वहाँ पर जो बीमारियाँ कुछ उत्पन्न होती हैं लोगों के गंदगी के द्वारा,
इस नाते वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जाना ये विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है इसके ऊपर। CDO संजय कुमार मीना ने जनपद में चयनित 3 आकांक्षी ब्लॉकों के कार्य को 100% पूरा कराए जाने को लेकर विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में CDO संजय कुमार मीना ने बताया कि जनपद में 3 ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक चुना गया है, जिसमें ब्रह्मपुर, बांसगांव, कैंपियरगंज ब्लॉक को शामिल किया गया है। ये ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें बाकी जनपदों की अपेक्षा ब्लॉकों की अपेक्षा कम काम हुआ है, जिसको लेकर बैठक हुई है। उन्होंने कहा इन ब्लॉकों में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा का विशेष ध्यान देना होगा, जिससे कि शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% पालन करवाया जा सके। जो लोग इन ब्लॉकों में ड्यूटी कर रहे हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर नोट कर शासन को भेजा जाए, जिससे अधिकारी डायरेक्ट संपर्क कर कार्यों की जानकारी ले सके। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीना ने कहा, विकास खंड जो 3 हैं अपने यहाँ, वहाँ के से संबंधित जितने अधिकारी हैं उन्हीं से रिलेटेड है। इसमें अपने यहाँ सभी को तो पता है ना कि कौन कौन से विकास खंड है, पहले सभी को पता है। चिकित्सा से आपको जानकारी है कौन कौन है प्लीज बताइए, फिर तो हम थीम बताएं तो फिर इसके बाद डिटेल में करें। तीनों विकासखंड पता है अपने यहाँ इस जनपद गोरखपुर जनपद में है, 3 विकासखंड ऐसे हैं जो इसमें चयनित हैं। है ठीक है, और किसी को कोई डाउट है या सबको पता है? ये पूरे प्रदेश में 100 ऐसे विकासखंड लिए गए हैं, जो क्षेत्र जो 5 हैं, मुख्य उद्देश्य है कि वहां पर जो है चिकित्सा, शिक्षा, कुपोषण आदि सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के दृष्टि से जो यहां पर जो है पिछड़ा हुआ है उसको जो है मुख्य धारा में जो है लाने के लिए एक टीम भावना में अपने अपने जो है विभागीय कार्यों को जो प्राथमिकता के आधार पर करते हुए जो है उसको अगले के रूप में ले आना, इसका जो है शुद्ध बोलचाल की भाषा में पिछड़े विकास खंड की दृष्टि से है। और उद्यान है मनरेगा, यानी कि ग्राम विकास से संबंधित विभाग से संबंधित योजना का है। बाई से संबंधित वो 6 इंडिकेटर है, व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास है, इसमें 9 इंडिकेटर है ग्राम विकास से उससे रिलेटेड है। आधारभूत संरचना, इसमें आधारभूत संरचना में जो है सड़क आदि का है, जिसमें इंडिकेटर कौन कौन सा है सर? 1.1 से 1.6 तक 6 इंडिकेटर है। ये तो 6 तक है, ये आपके यहाँ से है, ये मॉनिटरिंग जो हो रही है इसके तहत आपके यहाँ से फीडिंग समय से हो जा रही है रिपोर्ट भी, यानी स्टेट गवर्नमेंट में दोनों में जो है ये मॉनिटरिंग सिस्टम का दूसरा कंसेप्ट है। वहाँ मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य को पूरी तरीके से दूर करना, मेडिकल की जो टीम है वो पूरी तरीके से करना खत्म करना टीकाकरण आदि का है। इसके अलावा उसी इंडिकेटर को आगे बढ़ाना है। जो आपके यहाँ नेतृत्व साहब के अधिकार पूरा हो गया, पहली चीज ये है वो तीनों लोगों का नाम मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है भेज दीजिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो उसको CMO साहब के हाथ से वो क्योंकि वही प्रेजेंटेशन होगा तो उसके लिए CMO सर जो है उसके लिए रहेंगे। ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक जो हमारे हैं 3 आकांक्षी ब्लॉक हैं, कैंपियरगंज, ब्रह्मपुर और बांसगांव, जिसमें आकांक्षी ब्लॉक मतलब जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, जिसमें अभी भी हम कुछ कुछ पैरामीटर्स पे बाकी ब्लॉक या बाकी जनपदों की अपेक्षा कम है, तो उसी के संबंध में ये बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स पर। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजकीय बौद्ध संग्रहालय द्वारा बैंक रोड स्थित अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं को स्वतंत्रता आंदोलन अथवा हर घर तिरंगा के विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा जिसमें मुख्य अतिथि अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य किरणमयी तिवारी द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया, जिसके संबंध में राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने बताया कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है, जो युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और काम के लिए कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व पर केंद्रित है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से देश के युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में निःशुल्क औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह रोजगार प्राप्त कर सके। वहीं अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य किरणमयी तिवारी ने कहा कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय सांस्कृतिक विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न विद्यालयों को संग्रहालय से जोड़ने की योजना के अंतर्गत जनपद के सभी स्कूल कॉलेजों को प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों में छिपी हुई प्रतिभा उजागर होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य किरणमयी तिवारी एवं राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने कहा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजकीय बौद्ध आधारित जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था उसकी प्रति भेंट करते हुए किरणमयी तिवारी अमृत महोत्सव के अंतर्गत संग्रहालय के सर गौतम सर द्वारा बच्चों के मनोबल बढ़ाने और जानकारी को बढ़ाने के ध्येय से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और हमारे बच्चे जो हैं बड़े उत्साहपूर्वक भाग भी लिए और उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय और संतावना पुरस्कार प्राप्त किए। मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है और सर से ये कहना है कि इसी तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करें ताकि बच्चों की हर विषय की जानकारी भी हो, साथ ही साथ बच्चों का पुरस्कार प्राप्त करके उनका मनोबल बढ़ता रहे। संग्रहालय का ये बहुत अच्छा प्रयास है। चित्रकला के माध्यम से और बाकी बच्चों में क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी बच्चों में एक विषय रखा, इन्होंने तत्काल विषय रखा, बच्चों ने अपने बौद्धिक क्षमता से उस चीज़ को पहचाना और अपनी तुलिका के माध्यम से उसको चित्र में उड़ेला, ये उनकी उपलब्धि है। डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था हर घर तिरंगा एवं स्वतंत्रता आंदोलन। इस विषय पर सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का उद्देश्य यह है कि बच्चों में देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत हो और प्रतिस्पर्धा के प्रति भी बच्चे तैयार हों और इस चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया है। यहाँ पे करीब 40 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया था और
यहाँ पे जो विद्यालय है उसके प्रधानाचार्य एवं कला की शिक्षिका ने सहयोग किया, जिसके माध्यम से हम इस प्रतियोगिता को आयोजित करने में सफल हुए। दर्पण गोरखपुर के अध्यक्ष रवि शंकर खरे ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रंगमंच को समर्पित संस्था दर्पण गोरखपुर में वर्ष 1976 से निरंतर रंगमंच कार्यक्रम करती आ रही है। संस्था ने अपने स्थापना वर्ष से अब तक उत्कृष्ट व परिपूर्ण रंगकर्म को ही अपना उद्देश्य बनाया है। नाटक को तकनीकी दृष्टि से संपन्न और आकर्षक बनाने के लिए समय समय पर तकनीकी संपन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित कर रंगमंच व कार्यशालाएं लगाई जाती हैं। इसी दिशा में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली प्रशिक्षित एवं MPSD भोपाल के पूर्व निदेशक आलोक चटर्जी के निर्देशन में एक कार्यशाला का आयोजन 6 जून से 15 जुलाई तक आयोजित किया गया। युवा एवं नवागत कलाकारों ने इस कार्यशाला में अभिनय एवं रंग से जुड़े क्रियाकलापों का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसके तहत नाटक दीक्षा का निर्माण किया गया। दीक्षा पद्मश्री स्वर्गीय नरेंद्र कोहली के उपन्यास शिक्षा पर आधारित है, जिसका नाट्य रूपांतरण शहर के युवा रंगकर्मी मानवेंद्र त्रिपाठी ने किया। नाटक का केंद्रीय विषय मनुष्य का दिव्यत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया पर आधारित है। राम, जो महलों के कुमार थे, गुरु विश्वामित्र ने उन्हें दीक्षित किया, उनकी क्षमताओं को जागृत किया। राम नर से नारायण हो गए। गुरु महिमा पर आधारित यह नाटक प्रस्तुति गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक सार्थक प्रस्तुति सिद्ध होती है, जिसको देखते हुए 2 दिवसीय दीक्षा समारोह का आयोजन शनिवार से सरस्वती विद्या मंदिर में शुरू होगा, जो कि राम कथा पर आधारित है, जो रविवार को समाप्त होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दर्पण गोरखपुर के अध्यक्ष रवि शंकर खरे, दीक्षा कार्यक्रम के निदेशक आलोक चटर्जी ने कहा, मैं रविशंकर खरे, अध्यक्ष दर्पण गोरखपुर। ये दर्पण गोरखपुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नाट्य समारोह है, जिसमें दीक्षा नाटक का मंचन होगा और उसके निर्देशक श्री आलोक चटर्जी हैं, जो कि MPSD से डायरेक्टर रहे हैं और उन्होंने 1 महीने का बच्चों के साथ में, नए कलाकारों के साथ में वर्कशॉप करके ये नाटक तैयार करवाया है। इस नाटक को नॉवेल से और नाट्य रूपांतर करने वाले मानवेंद्र त्रिपाठी जी हैं, क्योंकि बेसिकली लिखा हुआ है ये श्री पद्मश्री नरेंद्र कोहली जी का। इसमें राम कथा पे आधारित नाटक है ये, और 16 और 17 को रविवार और शनिवार को शाम 7 बजे सरस्वती विद्या मंदिर में ये मंचित किया जाएगा। प्रस्तुति का नाम है दीक्षा और मैं इस प्रस्तुति का निर्देशक हूँ आलोक चटर्जी। ये दर्पण संस्था ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया कि 1 महीने का एक प्रस्तुति पर कार्यशाला करनी है और एक नाटक करना है, तो रंगमंच से संबंधित इतिहास, एक्सरसाइज, वॉइस, स्पीच, एक्टिंग, इसके ऊपर हम लोग फर्स्ट हाफ में वर्कशॉप करते थे। 40 बच्चे इसमें हैं, बच्चे लड़के लड़कियां मिलाकर, और सेकंड हाफ में हम लोग एक नाटक की तैयारी शुरू किए। पद्मश्री स्वर्गीय नरेंद्र कोहली जी का उपन्यास है दीक्षा, उसको नाटक कथा के रूप में कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम के एक साधारण राजकुमार से देवता बनने की कहानी है, अपने गुरु विश्वामित्र के मार्गदर्शन में, और नर से देवत्व की यात्रा ही इसमें बताई गई है। 1 घंटा 20 मिनट का यह नाटक है। ये 16 और 17 को सरस्वती शिशु मंदिर में शाम को ठीक 7 बजे से प्रारंभ होगा। 5 साल पहले तक उपेक्षित रही गोरखपुर की माटी की विशिष्ट शिल्पकला टेराकोटा को CM योगी के
ओडीओपी के पंख मिले तो रोजगार और विकास के आसमान में इसकी उड़ान देखते ही बन रही है। सरकार की तरफ से ब्रांडिंग का दायरा ग्लोबल हुआ तो इस पारंपरिक शिल्प में नवाचार की झड़ी लग गई है। टेराकोटा के परंपरागत उत्पाद बाजारों में धूम मचा रहे हैं तो अब मिट्टी की ज्वेलरी के बाद भाइयों की कलाइयों पर सजने को टेराकोटा की राखियां भी तैयार हो गई हैं। इनके डिजाइन, रंगत और फिनिशिंग ऐसी कि देखकर सहसा यकीन ही नहीं होगा कि ये मिट्टी से बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा टेराकोटा को गोरखपुर की ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किए जाने के बाद शिल्पकारों का जीवन तो बदल ही गया है। शिल्पियों के साथ ही अनेक लोग इसमें नवाचार के विचार से जुड़ रहे हैं। नवाचार की ऐसी ही पहल की है मूलतः दिल्ली की रहने वाली डॉक्टर भावना सिंघल ने। उन्होंने टेराकोटा से जुड़ी महिलाओं को अपनी तरफ से डिजाइन देकर बड़े पैमाने पर टेराकोटा की राखियां बनवाई हैं। वह 15 जुलाई को गोरखपुर में टेराकोटा की राखियों की प्रदर्शनी भी लगी। प्रदर्शनी में मिट्टी से बनी रंग बिरंगी राखियों की खरीदारी भी की गई। भावना का कहना है कि घर में रखे टेराकोटा की मूर्तियों की खूबसूरती की लोगों से मिली तारीफ से उनके मन में इस शिल्प की राखियों को बनवाने का विचार आया। टेराकोटा के मिट्टी के आकर्षक गहने भी अपनी धाक जमा रहे हैं। इस शिल्प से बने नेकलेस, झुमका, बाली, कंगन की मांग बढ़ रही है। सोने के गहनों को टक्कर दे रहे इन आभूषणों की सुंदरता महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सीएम योगी के विजन से टेराकोटा शिल्पकारों का जीवन बदल गया है। ओडीओपी में शामिल किए जाने के बाद उनके उत्पादों की इतनी मांग है कि नए ऑर्डर कई महीनों की वेटिंग में जा रहे हैं। ओडीओपी ने इसे उद्यमिता और रोजगार का बड़ा फलक प्रदान किया है। योगी सरकार के प्रयासों से यह अब ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित हो रहा है। इसी कड़ी में सरकार कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC के जरिए टेराकोटा को ब्रांडिंग को और मजबूत करने जा रही है। गोरखपुर में 2 CFC बनाए जा रहे हैं। CFC बनने से टेराकोटा शिल्पियों को एक ही छत के नीचे गुणवत्ता जांच, ट्रेनिंग समेत सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी। इससे टेराकोटा के बाजार का और भी विस्तार होगा। सरकार के ही प्रयासों से टेराकोटा उत्पाद कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। टेराकोटा राखियों की प्रदर्शनी की प्रोपराइटर डॉक्टर भावना अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार टेराकोटा को बढ़ावा दे रही है, जिसको देखते हुए हाथ से मिट्टी की बनी हुई राखियों की प्रदर्शनी लगाई गई है और यह राखियां अपने हाथों से महिला कलाकारों ने बनाया है। उन्होंने कहा कि राखियों की रेट 50 रुपए से शुरू किया गया है। इन राखियों को लेकर मुख्यमंत्री के पास गई थी, जिसको मुख्यमंत्री ने भी पसंद किया है और सांसद रवि किशन भी टेराकोटा की राखियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टेराकोटा राखियों की प्रोपराइटर डॉक्टर भावना अग्रवाल एवं कृतिका अग्रवाल ने कहा, ये मटर का
रितिका अग्रवाल, टेराकोटा का स्टॉल लगाया, सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमारी मिट्टी का है और मिट्टी से इतना अच्छा कुछ बन पाना ये बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं। मुझे नहीं विश्वास था कि ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत राखियाँ मिट्टी से भी बन सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट भावना जी ने जो लाया है वो बहुत ही अच्छा है और हमारा गोरखपुर धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है और टेराकोटा से गोरखपुर को नाम मिलेगा और नाम मिलेगा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड ये राखियाँ बहुत ही रीज़नेबल रेट की हैं, अनएक्सपेक्टेड सुंदर राखियाँ। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर भावना अग्रवाल है। ये मैंने टेराकोटा की हैंडमेड राखियों की प्रदर्शनी लगाई है। इसमें हमने यहाँ के लोकल जो आर्टिसंस हैं, जो वुमन आर्टिसंस हैं, उनसे ये राखियाँ बनवाई हैं। उनको ये राखियों के डिज़ाइन मेरी फ्रेंड अनु नंदा ने सिखाए हैं और हमने फिर मिल के इसका खूब प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं ताकि उसी के लिए ये पहली एग्जीबिशन है मेरी। ODOP के अंतर्गत गोरखपुर में टेराकोटा का चयन किया गया है, उसी टेराकोटा को यूज़ करते हुए हमने ये राखियाँ बनवाई हैं। आज तक टेराकोटा के खाली पॉट्स, गमले लोग इधर तक ही सीमित हैं और ये नया एक इनिशिएटिव है। आई होप कि सब लोग को पसंद आए। कैसे दिमाग में आया कि राखियाँ बनानी चाहिए? मेरा थोड़ा दिमाग आर्ट की तरफ रहता है और जो मेरी सहेली है अनु, उसका भी बहुत ज़्यादा रुझान है इस तरफ, वो तो अब पूरा ही इसमें है, तो बस मिलके ये इनिशिएटिव शुरू हुआ और आज मेरी एग्जीबिशन किधर आप हैं। अगर देखा जाए तो इसकी कितनी कॉस्ट होगी और कोई खरीदना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और आज एग्जीबिशन में जो लोग आएंगे वो पसंद करेंगे आई होप। इसकी रेंज हमने बहुत नॉमिनल रखी है, 50 रुपये मात्र ये शुरू होती है और 50 रुपये से ये शुरू होती है और जितना ज़्यादा इसमें काम है, जितना ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि एक राखी को बनाने में 1.5 से 2 दिन लगा है एक सिंगल राखी को, तो वो मेहनत जो उसके पीछे है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो आर्टिसंस को उसका क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने इसका रेट केवल 50 से शुरू करके फिर ये आगे 250, 300, 400 तक है। आपने बताया मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई जी, क्या कहा जी? मेरी मुख्यमंत्री से कल मुलाकात हुई, वो भी उन्होंने तुरंत राखी को पसंद किया और कहा कि तुम मेरे पास भेजिए, तो उन्होंने राखी उनको प्राप्त हुई, उनको पसंद आई। आई होप ये आगे अब बढ़ेगा सिलसिला। और मुख्यमंत्री जी के बाद मैं रवि किशन जी भैया से मिली जो हमारे MP हैं और ऐसा वाक्या हुआ कि मैं उनकी बहन भी बन गई हूँ, मैंने उनको राखी उनकी कलाई पे बांधी दी, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का आज ये अवसर है। प्रदेश सरकार भी इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है जी, टेराकोटा को ODOP के अंतर्गत ला के गोरखपुर में इसका बढ़ावा खूब दिया जा रहा है, उसी के लिए एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि ये और बढ़े। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। जिले के पिपराइज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को 18 साल से ऊपर के लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रिकॉशन डोज का पिपराइज विधायक एवं CMO ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को अब किया जाएगा निःशुल्क टीकाकरण। क्षेत्र 9 प्रोन्नत नायब तहसीलदारों के प्रशिक्षण सत्र का मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने किया शुभारंभ। कहा 4.5 महीनों तक नायब तहसीलदारों को दी जाएगी सभी तरह के प्रशिक्षण। पंद्रह अगस्त को जनपद के हर घरों पर तिरंगा फहराए जाने के संबंध में CDO की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। ने कहा देश प्रेम की भावना रखकर अभियान को सफल बनाने के लिए किया गया है निर्देशित। सोलह जुलाई से 22 जुलाई तक शुरू होने वाले जल संरक्षण अभियान को लेकर CDO संजय कुमार मीना ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा हर घर जन जन तक जल पहुंचे, यही है शासन की प्राथमिकता, अभियान चलाकर जल संरक्षण के लिए किया जाए प्रचार प्रसार।
नदियों की सफाई को लेकर एक निजी संगठन के द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। अभियान चलाकर नदी पर बनाए गए घाट पर हो रही गंदगी पर की गई चर्चा। जनपद में चयनित 3 आकांक्षी ब्लॉकों के कार्यों को 100% पूरा कराए जाने को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने की बैठक। कहा, तीनों ब्लॉकों में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के कार्यों को करवाया जाए जल्द पूरा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन अथवा हर घर तिरंगा के विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र किया गया वितरित। कहा, कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व पर केंद्रित है विश्व युवा कौशल दिवस। दीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार से 2 दिवसीय रामकथा पर आधारित कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। दर्पण गोरखपुर के अध्यक्ष रविशंकर खरे ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और भाइयों की कलाइयों पर सजाइए टेराकोटा की राखियां। सीएम योगी ने ओडीओपी में किया शामिल। तो निरंतर हो रहे नवाचार, लगी टेराकोटा की राखियों की प्रदर्शनी। शिल्पकारों के पास पारंपरिक टेराकोटा उत्पादों की भी है भारी मांग। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।